हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज अंशली कुमारी एंड आई एम गोइंग टू शो यू द सिंपलेस्ट वे टू प्रूव दिस थिंग ओके तो आपको पता होगा कि माइनस वन की पावर एन एक ऑसिलेटिंग फंक्शन है अगर एन कोई इवन नंबर हुआ तो माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन ऐसे अगर इवन टाइम्स जाता है तो वो किसके बराबर होगा देखो सब कुछ इवन है तो कैंसिल आउट हो जाए हो जाएंगे तो सब कुछ ज़ीरो के बराबर हो जाएगा अगर एन एक ऑड नंबर है माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन अगर ये ऑड टाइम्स जाता है तो इसका आंसर कुछ भी आ सकता है वन या माइनस वन लेकिन इस सीरीज़ का सम एक्चुअली में वन बाय टू आता है और वो कैसे आता है मैं अभी शो करके दिखाती हूँ इसके लिए आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में पता होना चाहिए कि वन अपॉन वन माइनस एक्स बराबर होता है समेशन एन टेंस टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू द पावर एन ठीक है और ये सीरीज़ वैलिड होती है तब जब एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में बिलोंग करे इसके नीचे माइनस वन के नीचे एक इक्वल का साइन है मतलब माइनस वन भी सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या करेंगे पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन तो वन अपॉन वन माइनस माइनस ऑफ वन इक्वल्स टू माइनस वन रेस टू दी पावर एन समेशन एन इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी और ये देखिए क्या आ गया वन अपॉन टू इक्वल्स टू माइनस वन एन की जगह अगर हम जीरो डालेंगे प्लस माइनस वन वन डालेंगे प्लस माइनस वन टू ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा तो वन अपॉन टू इक्वल हो जाएगा वन माइनस वन की पावर जीरो वन प्ल सॉरी ये माइनस वन हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस वन और ये इन्फिनीटी टाइम्स आ रहा है और हमारी सीरीज प्रूव हो गई ऐसा ही एक फंक्शन आएगा जिसमें हम प्रूफ करके दिखाएंगे वन अपॉन माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर इक्वल्स टू इन्फिनीटी जो रामानुजन ने दिया था बहुत पॉपुलर इक्वेशन है ये इसको हम अगली वीडियो में प्रूव करेंगे थैंक यू